नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। एक बार फिर कोरोना अपडेट लेकर हाजिर हूं। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में सीतापुर में 3 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। यदि अब भी नहीं आप सचेते तो आपके लिए आने वाला समय बहुत ही खराब आने वाला है। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कोरोना की दूसरी लहर है वो बहुत तेजी से फैल रही है। सीतापुर में अगर बात करें तो दूसरी लहर में अब तक 1500 के ऊपर जो कोरोना के नए मरीज हैं वो मिल चुके हैं, और मौतों का जो आंकड़ा है वो पहली और दूसरी लहर को अगर मिला देते हैं तो अब तक सीतापुर में 86 लोगों की जान जा चुकी है। 3 लोगों की मौत शुरुआती दौर में ही हो चुकी है और 2 लोगों की मौत एक दिन पहले यानी कल हो चुकी है। ऐसे में आप सबके लिए ये सचेत होने का समय है, सावधान होने का समय है और कोरोना कोविड गाइडलाइन जो है उसके पालन करने का समय आ चुका है। क्योंकि अभी भी ये देखने को आ रहा है कि इसका एक सबसे मुफीद जो बचाव का तरीका है वो मास्क है, लेकिन ज़्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। दूसरा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप यदि नहीं जागे, आप यदि नहीं सचेत हुए तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर कोरोना जो है सीतापुर में विकराल बनेगा और ये तय है कि आने वाले समय में मौतों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ेगा। अभी फिलहाल कोरोना धीरे धीरे शहर से लेकर गांव तक पांव पसारने लगा है, क्योंकि गांव में इस समय गांव की सरकार बनाने को लेकर के जिस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या मास्क नहीं लगा रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर इस बार प्रत्येक गांव में कोरोना का फैलना लगभग तय माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि जो सीतापुर में अब तक अगर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या की बात कर लें तो 5000 से ज़्यादा आंकड़ा पार कर चुका है। जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके मुताबिक इनकी संख्या 5020 तक पहुंच गई है। ये कोरोना की पहली लहर और कोरोना की दूसरी लहर को मिला कर है। पहली लहर में जो था वो 48 या ये कहिए कि 49000 तक पहुंच गई थी, और जो दूसरी लहर है उसमें 150 से ऊपर अब तक कोरोना मरीजों की संख्या पहुँच चुकी है। और ये भी बता दें आपको, ये 50 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले सीतापुर में ये जो कोरोना के मरीजों की संख्या है ये 371531 जो टेस्टिंग हुई है उसके मुताबिक निकल के आई है। और अब तक अभी अगर हम बात करें तो इस समय अभी 1663 की रिपोर्ट पेंडिंग है, उनकी जांच रिपोर्ट आनी है, तो निश्चित तौर पर उस पर कोरोना के मरीज और बढ़ेंगे। और अगर हम बात करें होम आइसोलेशन में इस समय 3222 लोग हैं, यानी उनकी संख्या भी बढ़ रही है जो होम आइसोलेशन में है। और जो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी अगर बात करें तो किसी से छिपी नहीं है। पिछले साल में अगर देखें और इस साल तो हद ही पार हो गई है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से CMO ने कोई ब्रीफिंग नहीं की है, कोई जानकारी नहीं दी है कि कोरोना के मरीज कहाँ अपनी टेस्टिंग कराएं और कहाँ भर्ती वो होंगे और कौन कौन से हॉस्पिटल L2, L1 कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, इसकी कोई जानकारी ना तो पब्लिक को दी गई है और ना ही मीडिया से कोई मुखातिब हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। प्रशासनिक अगर बात करें तो हाँ, प्रशासन संदेश जरूर सार्वजनिक स्थलों पर प्रसारित करवा रहा है, लेकिन जो लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे अभी तक कोई सख्ती से निपटता नहीं दिखाई दे रहा है। सभी का यह मानना है कि चूंकि सरकार चुनाव में व्यस्त है, चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर सख्ती भी करेगी। जैसे ही नतीजे आने शुरू होंगे, मतगणना शुरू होगी, उसके बाद आप लोग सख्ती के लिए भी तैयार हो जाइए। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, देश में ये आंकड़ा 1 लाख से ऊपर तक पहुँच गया है, तो इसलिए सरकार कदम जब उठाएगी तब उठाएगी। आप अभी से सचेत हो जाइए और खुद अपनी सुरक्षा करिए, परिवार की सुरक्षा करिए, आस पड़ोस की सुरक्षा करिए।
कंटेनमेंट जोन भी बनना शुरू हो गए। शासन से हर रोज कोरोना को लेकर के कोई ना कोई गाइडलाइन आ रही है, लेकिन गाइडलाइन कागजों तक ज़्यादा दिखाई दे रही है, अभी जो धरातल पर है उस पर अमल होता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम आपको एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना को लेकर के पिछली बार भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, अपने शुभचिंतकों को, अपने साथियों को मैसेज के जरिए एक मैसेज सुबह भेज करके लोगों को सचेत करते थे, लोगों को सावधान करते थे। ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं कमल नयन आर्य, जो नित्य प्रति एक मैसेज भेजते हैं लोगों को, और उस मैसेज में सबसे पहले उनका मैसेज 365 दिन साल में होता है, जिसमें भगवान की एक प्रतिमा यानी महाकाल जी की एक प्रतिमा जो प्रतिदिन श्रृंगार होता है वो आता है। उसके बाद वो सुप्रभात करते हुए एक संदेश देते हैं कि देश में इस समय कोरोना के मरीज कितने हैं, बढ़े हैं या घटे हैं, इसकी जानकारी देते हैं। और उसमें एक संदेश लिखा होता है, वो ये है कि स्वास्थ्य के प्रति अति सजग रहें, घर के बाहर बगैर मास्क नहीं जाना चाहिए, ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए, और यही नहीं बचाव के तरीके भी बताते हैं। अदरक, तुलसी, काली मिर्च, शुद्ध हल्दी का सेवन रोज करना चाहिए। इसके बाद वो सभी की कामना भी करते हैं कि आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। तो ये संदेशा ऐसे भी लोग समाज में सामाजिक कार्यकर्ता जैसे कि कमल नयन आर्य का ये संदेशा है। संदेशा में लिखते समय वो तुलसा जी लिखते हैं, यानी तुलसा कितनी कारगर है उसका भी वो वर्णन करते हैं। तो ऐसे में सभी को इस तरीके के मैसेज आदान प्रदान करना चाहिए और लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, क्योंकि कोरोना दिनों दिन बढ़ रहा है। फिर एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि सीतापुर में 3 जो दूसरी लहर कोरोना की आई है, 3 मौतें हो चुकी हैं और निरंतर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि जो CDO हैं यहाँ के सीतापुर के, उन्होंने एक निर्देश जारी किया है कि जो अधिकारी लखनऊ राजधानी से अप डाउन करते थे वो अब नहीं कर सकेंगे, वो जिला मुख्यालय पर ही निवास करेंगे, ताकि जो राजधानी से कोरोना लेकर आते थे सफर में वो ना आ सके, क्योंकि निरंतर विकास भवन में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग सावधान रहें, सचेत रहें, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।